मूवी की शुरुआत में हम जिल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करती थी। वो अपनी जॉब का फायदा उठाकर एक्सपायर दवाइयां चुराती थी और पैसों के लालच में उसे ड्रग डीलर को बेच देती थी। उसके दो बच्चे भी थे जिनके नाम थे नोवा और मैटी। अब वो तीनों कहीं घूमने जा रहे थे जहाँ उनकी काफी सारी बातें चल रही थी, लेकिन मैटी का ध्यान सूरज की तरफ था। तभी अचानक वहाँ कुछ हो जाता है जिससे उनकी कार काम करना बंद कर देती है। इसीलिए जिल कार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक दूसरी कार आकर उनसे टकरा जाती है, जिससे उनकी कार क्रैश होकर एक लेक में जाकर गिर जाती है। तब वो किसी तरह वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी कार पूरी तरह से डूब चुकी थी। वो बचते बचाते किसी तरह उस लेक से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मैटी की हालत खराब थी। तब दो पुलिस वाले उनकी मदद करते हैं और काफी कोशिशों के बाद मैटी को होश आ जाता है। तब वो शेरिफ जिल को बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन हर एक जगह की पावर अचानक चली गई है, जिसमें कार और बैटरी भी काम नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ एम्बुलेंस भी आ नहीं सकती। तब जिल खुद ही अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल आती है और देखती है कि यहाँ की हालत तो और भी ज्यादा बदतर हो गए थे, क्योंकि यहाँ इंजर्ड लोगों की तादाद तो ज्यादा थी ही, लेकिन ना जाने क्यों कोमा में पड़े सारे पेशेंट जाग चुके थे और वहाँ कोई भी इसकी वजह जान नहीं पा रहा था। तब वो लोग वहाँ से निकलकर जिल के माँ के घर आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि पूरे शहर के हालात काफी उतल पुतल गए थे। दरअसल ये एक अनोखा अपोकलिप्स था जिसमें वहाँ हर कोई अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इधर जिल अपने परिवार के साथ सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को भी वहाँ नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो योगा करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ बात नहीं बनती। तभी हम देखते हैं कि पूरे शहर का यही हाल था, जहाँ कोई भी सो नहीं पा रहा था। तब नोवा देखता है कि आसमान में कई सारे तारे टूट रहे हैं, लेकिन असल में वो तारे नहीं बल्कि सैटेलाइट्स थी जो स्पेस से सीधा धरती पर गिर रही थी। अब जिल मूड फ्रेश करने घर से बाहर निकलती है, तब वो देखती है कि मैटी आराम से सो रही थी। वो बाहर जाकर देखती है कि सारे लोग रोड पर घूम रहे हैं, जिसमें कई लोग टेंशन में हैं तो कई मौके का फायदा उठाकर मजे कर रहे हैं। तब वो नोटिस करती है कि इस हाल में ड्रग्स की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना दवाइयां बेचकर कुछ पैसे कमा लिए जाए। इसलिए वो दवाइयां लाने सीधा हॉस्पिटल आती है, लेकिन हॉस्पिटल भी पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। तभी हॉस्पिटल के बाहर आर्मी आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि आर्मी की गाड़ियां अभी भी काम कर रही थी, यानी पुराने मॉडल की गाड़ियां अभी भी काम कर रही थी, और आर्मी इस मामले में दखलअंदाजी कर रही है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ इस शहर का नहीं बल्कि पूरी कंट्री का है। आर्मी के साथ मर्फी नाम की एक साइकेट्रिस्ट भी आई थी, जो चील को चोरी करते वक्त पकड़ लेती है, लेकिन उनके सामने हालत काफी बदतर थे, इसलिए वो जिल की चोरी को नजरअंदाज करती है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ कुछ जरूरी सामान लेने आई थी। तब मर्फी का असिस्टेंट ब्रायन जिल को बताता है कि सभी लोगों को नींद आना बंद हो चुका है और उनके काफी सोने की कोशिश करने पर भी वो सो नहीं पा रहे, क्योंकि अब इंसान एक तो जिंदा है या मुर्दा, और बीच वाली कोई भी स्टेज अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और इसीलिए ही कोमा के सारे पेशेंट जाग चुके थे। जिल को यह बात काफी अजीब लगती है, लेकिन तब ब्रायन बताता है कि उन्हें एक ऐसी औरत मिली है जो अभी भी सो पा रही है और उस पर ही ये लोग अब रिसर्च करने वाले हैं। तब जिल को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने आते हुए देखा था कि मैटी तो आराम से सो रही थी। ये सुनकर ब्रायन बोलता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो सच में सो रही थी या फिर उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर जिल को भी शक हो जाता है और वो जल्दी से घर जाकर मैटी को चेक करती है, लेकिन तब मैटी वहाँ थी ही नहीं। तब नोवा बताता है कि वो नानी के साथ चर्च गई है। तब जिल जल्दी से अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब मैटी यहाँ सेफ नहीं है। तभी ब्रायन भी वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उन्हें रिसर्च करने एक और लड़की मिलने वाली थी। तब वो तीनों चर्च के लिए निकलते हैं। तब रास्ते में उन्हें दिखता है कि सभी लोग नींद आने की वजह से लगभग पागल हो चुके हैं, जिसमें लूटपाट और क्राइम सरेआम हो रहे थे, क्योंकि अब यहाँ कोई कानून ही बचा नहीं था। तब आगे उन्हें नजर आता है कि शेरी भी वही मरा पड़ा था। तब वो लोग किसी तरह चर्च आते हैं और देखते हैं कि सभी लोग काफी गुस्से में थे, क्योंकि मैटी तो ठीक से सो रही थी लेकिन उनके बच्चों की नींद गायब थी। इसलिए वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि मैटी को जान से मार देना चाहिए, क्योंकि उसके सैक्रिफाइस से ही सबकी नींद वापस आएगी। ये सुनकर जिल उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को ही तैयार नहीं था। तब ब्रायन उन्हें पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में एक पुलिस वाला उसे शूट करके मार देता है, यानी यह माहौल हद से ज्यादा खराब हो चुका था। इसलिए जिल मैटी को लेकर किसी तरह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जिल की माँ वही फंस गई थी, इसलिए चर्च का पादरी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाला उन दोनों को मार देता है। इधर जिल उसके बच्चों के साथ उस रिसर्च सेंटर पर जाने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ वो लोग चलकर तो नहीं जा सकते थे,
इसलिए जिल उसके दोस्त के गैराज पर जाती है क्योंकि उसे एक ऐसी कार की जरूरत थी जो पुरानी मॉडल की हो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की सभी कार्स ने काम करना बंद कर दिया था। वहाँ जिल देखती है कि उसका दोस्त मरने की कगार पर था, जिसे मारने वाले दो चोर अभी भी वही थे जिनके पास शेरिफ का बैज भी था, यानी टाउन में मरे शेरिफ को इन्होंने ही मारा था। तब जिल उनके मुंह न लगकर उनके जाने का इंतजार करती है और उनके जाने के बाद वो भी एक कार लेकर अपने सफर पर निकल पड़ती है। काफी देर के सफर के बाद उन्हें रास्ते में कुछ दिखता है जो वही दो चोर थे जिन्हें शायद आर्मी ने मार दिया था। तब जिल उससे शेरिफ का बैज छीन कर अपने आगे का रास्ते पर चल पड़ती है, जहाँ रात से दिन निकल आता है, लेकिन उनका सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था और जिल को नींद भी नहीं आने वाली थी, इसलिए वो बिना रुके अपना सफर जारी रखते है। तब आगे उन्हें बिना कपड़ों के कुछ लोग दिखते है जो सूरज को ही देख रहे थे, क्योंकि नींद न मिलने की वजह से लोग पागल हो रहे थे। अब आगे वो एक लाइब्रेरी में रुकते हैं क्योंकि उन्हें किसी मैप के जरिए रिसर्च सेंटर का एड्रेस ढूंढना था। उसी बीच वहाँ कई सारे कैदी आ जाते हैं, जिनमें से एक कैदी उनकी कार लेकर भाग जाता है और मैटी अभी भी कार में ही थी। वो लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बाकी कैदियों से बचना उनके लिए आसान नहीं था। फिर भी जिल उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनकी कार लेकर भागा कैदी वापस आ जाता है और वो सब मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। उस कैदी का नाम था डॉज। डॉज को मैटी ने पूरी बात बताकर वापस जाने के लिए कन्विंस किया था। तब आगे जाने पर उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिलता है, जिससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि गाड़ियों की तरह प्लेन्स ने भी काम करना छोड़ दिया होगा। वो लोग वहाँ से जरूरत का सामान लेते हैं और वही उनके कार के फ्यूल का जुगाड़ भी हो जाता है। यहाँ जिल मैटी को वो सारी चीजें सिखाती है जिनका इस्तेमाल करके वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सके, क्योंकि वो जानती थी कि नींद आने की वजह से उसका अंत भी जल्दी आने वाला था। अब मैटी कार चलाना सीख रही थी, लेकिन गलती से वो एक ऐसी जगह कार ले जाती है जहाँ कुछ गुंडे लोगों को टॉर्चर कर रहे थे। तब जिल जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे उन्हें देख चुके थे, इसलिए चारों ओर से उन पर काफी तगड़ा हमला हो रहा था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद जिल किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब आखिरकार वो लोग रिसर्च सेंटर पर पहुंच चुके थे। तब जिल दोनों बच्चों को वही छुपाकर अकेले ही अंदर जाती है ताकि वो देख सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तब उसे दिखता है कि वहाँ के सोल्जर्स ट्रक के सहारे खुद को संभाल रहे थे, क्योंकि नींद न मिलने की वजह से उनका भी बेहाल था। तब जिल एक डॉक्टर का सूट पहनकर लैब में जाती है। तब उसकी मुलाकात उस औरत से होती है जिस पर यह रिसर्च चल रही थी। जिल उसकी हालत देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उस औरत की हालत काफी खराब थी। उसे पूरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और वो खुद भी यहाँ से निकलना चाहती थी। तब जिल मैटी को वहाँ देने के बजाय उस औरत को यहाँ से भगाने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसका मरना तो तय ही था, लेकिन मैटी और वो औरत जिंदा बच सकते थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे। तब वो औरत उसे बताती है कि वो तो पहले ही मरने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो दोबारा बच गई। अब वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर मर्फी वहाँ पहुँच जाती है। तब जिल उसे बोलती है कि वो यहाँ उसकी मदद करने आई है, जिस पर उनमें थोड़ी बातचीत होती है और मर्फी बताती है कि अभी भी कोई क्योर नहीं मिला, यानी नींद आने की वजह से जल्दी सभी लोग मरने वाले हैं। बातें खत्म करके जिल अपने बच्चों के पास जाती है तो देखती है कि आर्मी ने उसके बच्चे और डॉज को पकड़ लिया था। अब उनके पास एक और ऐसी सब्जेक्ट थी जो सो सकती थी। तब मर्फी जिल को यह सब होने का मेन रीजन बताती है और बोलती है कि एक सोलर फ्लेयर हुआ था, जिससे इंसान का क्लैम्पेटिक सिस्टम खराब हो गया और इस वजह से ही कोई सो नहीं पा रहा। इधर अचानक वो औरत मारी जाती है जो सो सकती थी, इसलिए मर्फी नोवा को बुलवाती है, क्योंकि अब उन्हें जानना था कि बहन तो सो सकती थी लेकिन भाई क्यों नहीं सो पा रहा था। इधर नींद न मिलने की वजह से जिल की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसे ऐसा फील हो रहा था कि नोवा उसे जान से मार रहा है। बाहर के सोल्जर्स का भी यही हाल था और वो भी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके ऊपर अटैक हो रहा है और एक दूसरे के गनशॉट सुनकर वो पागल हो रहे थे, जिसमें कोई स्टाफ को मार रहा था तो कोई खुद को। ऐसा हाल देखकर भी मर्फी मैटी को फ्री नहीं कर रही थी, इसलिए उसी का साथी डॉक्टर उसे मार देता है। तब जिल किसी तरह खुद को संभालकर मैटी को छुड़ाती है और वो दोनों नोवा के पास जाती है। तब नोवा मछली समझकर एक वायर को कट कर रहा था कि तभी उससे उसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अब बेहोश तो कोई हो नहीं सकता था, इसलिए उन्हें लगता है कि नोवा मर गया। वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे जिंदा करने की कोशिश करते है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं और उनके रोते रोते ही सुबह हो जाती है, जहाँ सब कुछ उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि जिल अब उसकी आखिरी सांसें गिन रही थी। कि तभी मैटी को ख्याल आता है कि नोवा भी तो मर चुका था, लेकिन फिर से उसे जिंदा किया गया। वो नोवा से पूछती है कि क्या वो भी मरी थी। तब नोवा को भी याद आता है कि सच में मैटी भी मर चुकी थी, लेकिन शेरिफ ने उसे फिर से जिंदा किया।
यहाँ तक कि वो औरत भी बोल रही थी कि वो भी मरने वाली थी। अब वो दोनों समझ चुके थे कि उन्हें जिल को बचाने के लिए पहले उसे मारना होगा, इसलिए वो लोग उसे पानी में डुबाकर मार देते हैं, जिसके बाद जल्दी से उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं और जिल भी दोबारा जिंदा हो जाती है। और उसके मरने की वजह से उसकी लाइफ भी रिसेट हो चुकी थी, जिससे अब वो भी सो सकती थी। यानी सोलर फ्लेयर की वजह से लोगों की लाइफ हैंग हो गई थी और उस लाइफ को सिर्फ एक बार मरकर रिसेट करना था। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।